हमीरपुर में जल संस्थान कर्मचारियों का प्रदर्शन रहा जारी। आपको बता दें, जल संस्थान के कर्मचारियों का पिछले 5 महीने से वेतन नहीं आया, जिसको लेकर कर्मचारियों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनका वेतन आगे नहीं दिया जाता है तो वो काम बंद कर देंगे और पानी की सप्लाई बंद कर देंगे। जिले के शहरी क्षेत्रों में घरों के पानी के जल संस्थान की सप्लाई देता है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में घरों में पानी की सप्लाई जल संस्थान द्वारा की जाती है, पर पिछले 5 महीने संस्थानीय कर्मचारियों के वेतन नहीं आया है। इस कारण कर्मचारी अब हड़ताल पर उतरने ज्ञापन दे रहे हैं। जल्दी कर्मचारियों का वेतन नहीं भेजा गया तो घरों में भेजी जाने वाली जल संस्थान की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। जल संस्थान बुंदेलखंड के सभी जिलों में पानी सप्लाई काम करता है। ये बताना चाहते हैं कि हम लोग 4-5 महीने से बिना वेतन के जी रहे हैं, तो कम से कम शासन में वो हम लोगों की बात पहुँचाएँ और हम लोगों का वेतन दिलवाएं। और हमारे जो ठेका कर्मी हैं उनकी मजदूरी बहुत ही कम है, 120 रुपया में वो 24 घंटा काम करते हैं पर मंथ के हिसाब से, तो उनको कम से कम नगर पालिका में जो आरोपित दर हैं उनके हिसाब से उनका भुगतान हो, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो सके। और हम आप लोगों के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी बात आप लोग कम से कम शासन स्तर तक पहुँचाएँ। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं क्या करते हैं? हम अपने सभी कर्मचारियों की सर्वसम्मत से आगे कड़े फैसले लेंगे, यहाँ तक कि जब नहीं मानी जाएगी तो मरता क्या ना करता पेयजल सप्लाई भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं करेंगे। अगर ऐसी नौबत ना आए हम लोग यही चाहते हैं। कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष देवी शंकर पांडे, आप लोगों के माध्यम से हमारी मांग ये है कि 6वां महीना प्रारंभ हो गया है, 5 महीने से हम लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है, हमारे जो संचालन कर्मी हैं उनको भी नहीं मिल पा रहा है, और संचालन कर्मियों का जो मासिक पारिश्रमिक है इतना कम है, यानी 120 रुपये पर डे, यह कोई शासनादेश नहीं है, और इस पर सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, उसको भी बढ़ाया जाए। हम लोगों के जो अवशेष हैं, 2-2, 3-3 साल से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी कुछ यह हमारी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। हमारे महाप्रबंधक महोदय श्री रतनलाल साहब ये कहते हैं कि अनुदान नहीं मिल रहा है, अब ये जाएं अनुदान लाएं, अपनी बात वहाँ कहें, या ये अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नगर विकास मंत्री हैं, हमारे ग्रामीण मंत्री हैं, ये हम लोगों को कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे कर्मचारियों का परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। हम लोगों को कोई उधार सामान देने को नहीं तैयार हो रहा है, कितने परिवारों में बीमारियां लग गई हैं उसके इलाज के लिए पैसा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम कर्मचारियों से मिल के अग्रिम कार्रवाई करेंगे और कठिन से कठिन फैसला ले सकते हैं, यहाँ तक कि जलापूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, लेकिन इतना जल्दी हम जलापूर्ति नहीं बंद करेंगे, क्योंकि हमारा आपका सबका परिवार उससे जुड़ा हुआ है, ये आवश्यक सेवाओं में है। आप लोगों से यही हमारी निवेदन है कि आप लोग कोशिश करिए कि हम लोगों का वेतन, 5 माह का एरियर और ये सब जल्दी से जल्दी यह गवर्नमेंट भुगतान करे। जिलाधिकारी महोदय से भी यही निवेदन है कि अपने स्तर से गवर्नमेंट को लिखें, जिससे हम लोगों का ये 5 माह का वेतन और ये जो कर्मचारी परेशान हैं, भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं, इससे हम लोगों को मुक्त। आपका नाम?